तो वहीं अब खबर उद्धम सिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि सराफा कारोबारियों के पास में धमकी भरे फोन आए हैं। नगर के काशीपुर में बीते रोज तीन सराफा कारोबारियों से तीन अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए 1.5 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिलने के बाद उद्धम सिंह नगर पुलिस सक्रिय हो गई है। देर शाम जिले के पुलिस कप्तान ने काशीपुर पहुंचकर व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए ये कहा है कि धमकी भरी कॉल करने वालों को ट्रैक किया जाएगा, जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे किया जाएगा, जिसके लिए एसटीएफ के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों की पुलिस की मदद ली जा रही है। वह मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार के नामों से रंगदारी मांगने वाले सवाल के जवाब से बचते नजर आए। इसमें मैं काशीपुर के अपने भाइयों को, साथियों को, सहयोगियों को, व्यापारियों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले 20 साल में ऐसी घटना नहीं हुई, उसका एक ही कारण था कि ये जो गुंडा जो समय 2002-2003 में थे उनको राजसी संरक्षण मिलता, इस वजह से उस समय गुंडाइज्म पला हुआ। जब से 20 साल से विधायकी हमारे पास आई है, तब से गुंडाओं के सिर के ऊपर थे रक्षात्मक जो हाथ था वो उतर गया। रात को हमें जानकारी मिली, अराउंड 7 के आसपास हमें जानकारी मिली कि एक ही नंबर से तीन अलग अलग लोगों को 5-4 घंटे की गैप में तीन लोगों को कॉल्स आई है। और काफ़ी संदेहास्पद ये भी है कि एक ही नंबर से जो कॉल आई है वो तीन अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं। ठीक है, ये सारे बातें अपनी जगह, हमने अपना सीरियसनेस तभी दिखा दिया है। इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली जैसा सूचना मिलता है तत्काल हमने FIR पंजीकृत करा दिया है 384 और विभिन्न धाराओं में, और वो नंबर और कॉलर को ट्रेस करने की विराट में है हम लोग। विभिन्न तकनीकी मदद के लिए हम STF